हाँ तो गाइस गुड मॉर्निंग, मैं आपका दोस्त गौरव और एक और नए ब्लॉग में आपका दिल से भाई स्वागत करता हूँ। और शुरुआत हो रही है भाई नए ब्लॉग की मंदिर से। तो मैं आ चुका हूँ सुबह सुबह मंदिर के अंदर और मैंने कर ली है पूजा और अब मैं जाऊँगा घर पे ब्रेकफास्ट करने। तो भाई अच्छी बात, अगेन मैं आपको दोबारा बोलना चाहता हूँ, मंदिर से शुरुआत की बात ही कुछ और होती है। तो अपने दिन की शुरुआत ज़रूर आप मंदिर से करो, बढ़िया रहता है। यहाँ मैंने कर ली है पूजा, हर महादेव जी सारे भगवान जी हैं यहाँ पे। तो मैंने कर लिया भाई पूजा और अब आज के दिन की शुरुआत हम बढ़िया से करने वाले हैं। भगवान जी का आशीर्वाद हमने ले ही लिया है, तो चलो अब चलते हैं घर की तरफ। तो गाइस मैं मंदिर से मैं मंदिर से भाई घर पे आ चुका हूँ। और आने के बाद भाई मैंने दूध का डाला कॉर्नफ्लेक्स, थोड़ा सा खा रहा हूँ, उसके बाद खाऊंगा खाना, पराठे बनेंगे पराठे खाएंगे। अभी मुझे कपड़े पड़े डिलीवर करने भी जाने हैं तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से खा लेता हूँ ये। तो फाइनली गाइज मस्त वाला ब्रेकफास्ट आ चुका है यार। मैं बने ना पराठे, आजकल मक्खन वक्खन खाने रहे, माता जी ने लगा दिया फिर से सब मक्खन। तो भाई ये आलू के पराठे आ गए हैं और ये आ गए भाई रात वाली सब्जी थी हमारी ग्वार की फली की और चाय। तो अब ये खाते हैं ब्रेकफास्ट में, इंजॉय करते हैं मस्त ब्रेकफास्ट को। तो गाइज हमने ना ये आमले बॉयल करे जो मैं 3-4 दिन पहले खरीद के लाया था। अब इसको बॉयल करने से क्या होगा कि हम इसे जब भी चाहें खा सकते हैं। इसको हम पानी इसका फेंक देंगे, बाद में ठंडे होने के बाद आराम से उसे खा सकते हैं। और आमले का फ़ायदा तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता ही है। इम्यूनिटी बूस्टिंग, आपके हेयर अच्छे रखेगा, ब्लड प्यूरीफाई करेगा, अगेन वाइटामिन सी बहुत ज़्यादा इसके अंदर होता है। दूसरा स्किन के लिए बेस्ट है, बाकी यार आप चेक कर लेना क्या बेस्ट है। और अपने लिए मैंने चाय बनने रख दी है क्योंकि जो मैंने मॉर्निंग में इतना हैवी ब्रेकफास्ट करा था ना भाई पराठे वराठे खा के, तो मतलब भाई भूख लग नहीं रही थी। पर अब बजने 4-5 ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं, तो कुछ पकौड़े थे मिर्च के वो खाएंगे। यार आज तेल ना ज़्यादा ही हो गया तो वही है, और रोटी खाऊंगा। तो ये और चाय के साथ खा के कपड़े डिलीवर करने जाने कस्टमर्स को मेरे को। हेलो गाइस, आज हम आ रखे हैं शादी के अंदर, शादी के अंदर सारा पूरा प्रोग्राम मस्त हो रखा, फिक्स हो रखा है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बाय। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, और आपका एक और नए ब्लॉग में भाई स्वागत है। और अब बज चुके हैं 12, तो 12 बजे मेरी गुड मॉर्निंग हो रही है ना। नहीं, मैं सो के 10 बजे उठ गया था, थोड़ा बहुत काम था वो सारा मैंने ख़त्म करा है। अभी फिर मुझे काम करने थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा कि काम खुद भी ज़्यादा रहता है, आपको पता ही है। अभी लोड चल रहा है मेरे पास, तो व्लॉग आप मेरे पूरे देखते रहो। तो अभी करेंगे ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में हमने मस्त बनाई है मेथी की खिचड़ी, आपको दिखाएंगे अभी। हाँ तो गाइज मस्त ब्रेकफास्ट आ चुका है। ब्रेकफास्ट के अंदर अभी मेथी खिचड़ी और चाय और थोड़ा सा चार। तो अभी ब्रेकफास्ट इन्जॉय करते हैं मस्त वाला, और इसके बाद करेंगे सारा काम ख़त्म आज का। तो व्लॉग में बने रहो। तो गाइस मैं घर पे तो आ चुका था बहुत पहले ही, अब मैं करूँगा डिनर, और डिनर के बाद भाई मैं जाऊँगा सोने। पर आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो मैं शूज़ ला रहा हूँ ट्रैकिंग करने के लिए, भाई इतने गंदे शूज़ हैं, तो आपको शो करता हूँ कितने गंदे बंदे ने मेरे को शूज़ दिए हैं। बस चलो खाना खा लो, उसके बाद दिखाऊँगा आपको, वीडियो में बने रहो। हाँ तो गाइस मस्त डिनर आ चुका है, डिनर के अंदर है भाई मस्त पनीर कढ़ी और रोटी। डिनर करेंगे उसके बाद आपको शूज़ दिखाऊँगा कितने गंदे शूज़ हैं, और उनको नया करूँगा। वैसे तो टाइम हो चुका है, जल्दी सो जाऊंगा मैं, पर कल ट्रैकिंग करके दिखाऊंगा। और आपको ये दिखा दूंगा शूज़ कितने गंदे हैं, वो मैं किस तरीके से करने हैं रेडी भाई, तो दिखाऊंगा जरूर। और आपको ये वाला ब्लॉग और जो मेरा कल वाला ब्लॉग है वो दोनों एक साथ मिला करके मैं दूंगा वीडियो, क्योंकि लास्ट वाले दिन की वीडियो बहुत छोटी थी क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा था। तो एक साथ मिला करके वो वीडियो मिलेगी कल, एग्जैक्टली मैं आपको कल सही टाइम पर वीडियो दे दूंगा, ये वाला मिला करके सही टाइम।